गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया वी हैव कंप्लीटेड। नाउ volume portion is started and volume of cube cuboid we completed and now the term of volume of cylinder. You know the dimensions in a cylinder are its will be a radius and this will be the height. In cuboid and cube we say about the prism shape figures. How you will find the volume of prism shape solids? For that we discussed about the volume is area of base multiplied by height of that figure, that will be the area of that solid. Now in case of cylinder, the base is circular, so area of circle will be pi r square, this is the formula for finding the area of circle, into h. So this formula will be the volume of cylinder. Which formula you will use? The volume of cylinder is pi r square h. h जो है वो आपको height तक है। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, सपोज कि ये एक सिलेंडर है और सिलेंड्रिकल वेसल में सिर्फ इतनी हाइट तक वाटर फिल हो रखा है, इसकी रेडियस को सपोज वो 7 सेंटीमीटर दे देता है और हाइट वो 10 सेंटीमीटर देता है। ये टोटल हाइट है इस वेसल की। मान लीजिए कि वो वाटर है, वो इसका 8 सेंटीमीटर हाइट तक फिल है एंड देन ही आस्क अबाउट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल विल बी फॉर्मूला सेम वी विल यूज पाई आर स्क्वायर एच बिकॉज up to here this shape is also cylindrical shape, so we have to find just this volume, so we will use the volume of cylinder and volume of cylinder pi r square h. R will be 7, it's a square, into height here we take only 8 centimeter, not the complete height of the vessel. Understand? Some different questions he will give you based on this one. See some examples. He say the circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter. Ek cylindrical vessel aapke paas, इसका जो बेस है सर्कमफ्रेंस देता है, उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दिस इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट ही से 25 सेंटीमीटर। देन यू फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कैन इट होल्ड मींस दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। अगर इसको कंप्लीटली फिल कर देंगे तो उसमें कितने लीटर वाटर वो आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करना है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपके पास हाइट तो है 25, आप यूज कर देंगे डायरेक्ट, बट जो आर है रेडियस वो आपके पास नहीं है। यू नो दिस इज द रेडियस and the circumference of base will be 2 pi r, so we'll use c, that is circumference of base,
is 2 pi r and this is given 132. So from here we will find r will be 132 divided by 2 pi. आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते हैं तो रख दीजिए, अदरवाइज ऐसे कैसे छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज पाई की आप वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई 22 और ऊपर चला जाएगा आपका 7, ये आपकी रेडियस आती है। ठीक है, कैंसिल डाउन रखना है तो आप कर दीजिए 6 6 11 2 11 6 2 3, तो आता आपके पास 21 सेंटीमीटर रेडियस आता है। नाउ आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम आपके पास रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर करेंगे आप 21 × 21, एच रहेगा आपके पास 25 3, तो ये 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर क्यूब आता है। ये जो यूनिट क्यूब आती है क्यों आती है पता है, इसमें स्क्वायर में यूनिट जो एरिया होता है उसमें यूनिट जो होती है वो स्क्वायर आती है। देखिए आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो कार्ड सरफेस एरिया रहता है सिलेंडर का वो 2πRh रहता है, और साथ में जो यूनिट रहती है जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है, जो भी कुछ यूनिट रहती है उसकी स्क्वायर में आती है। क्यों आती है? बिकॉज देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, आर जो होता है वो सेंटीमीटर के साथ में यूनिट में देता है। जैसे इसी का ले तो आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर आया तो हम 21 सेंटीमीटर करेंगे मल्टीप्लाई हाइट, तो इसकी 25 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होता है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा मीन्स ये रहेगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वैसे जब वॉल्यूम की बात आती है तो जैसे आर स्क्वायर एच है, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आर स्क्वायर है 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू एच 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ठीक है, सो यूनिट्स में आप कोई मिस्टेक ना करें। ओके, सो ये आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपसे लीटर्स में पूछता है तो एक यूनिट आप लर्न रखें कि जो लीटर्स में कनेक्शन होता है वॉल्यूम के साथ में 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है वो आपका 1 लीटर बनाता है। ठीक है, और 1000 लीटर जो होता है वो आपका 1 मीटर क्यूब बनाता है। राइट, अगर सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे 1000, जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब आया था तो 1000 से डिवाइड करेंगे और लीटर में आंसर बता देंगे इसका। यही अगर आपके पास मीटर में क्यूब में होता और फिर वो आपसे पूछता है कि इसका लीटर बनाइए, तो इस मीटर क्यूब के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई 1000 लीटर कर देते। ये यूनिट लर्न रखना, ये यूजफुल है, आपके पास लीटर्स में आंसर बोलता है तो लीटर्स में ही बताना आपको। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देता है आपके पास, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, आपसे कहता है कि एक वुडन पाइप है, इसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर देता है, तो यहां पे 2 रेडियस हो जाएंगे आपके पास, एक तो ये रेडियस रहेगी और एक ये आउटर रह जाएगी यहां तक कंप्लीट। आप सपोज इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसकी जो लेंथ है मींस हाइट है वो कांस्टेंट रहेगी आपकी दोनों की अंदर और बाहर की, वो 35 सेंटीमीटर लगा लीजिए। ये डार्कन है, ये वुड है टोटल, आपके पास जो वुड है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड जो रहेगा वो रहेगा कि जो आपका आउटर सिलेंडर है उसमें से इनर सिलेंडर जो अंदर से ब्लैंक है बिल्कुल, उस वॉल्यूम को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास वुड का वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड रहेगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ
इनर सिलेंडर। अब आउटर और इनर सिलेंडर के लिए, जैसे आउटर डायमीटर दिया इसने 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस जो रहेगा वो रह जाएगा 28 डिवाइड बाय 2 14 सेंटीमीटर। इनर जो रेडियस रहेगा वो रहेगा आपका 24 सेंटीमीटर, डायमीटर देता है तो 24 अपॉन 2 दैट्स 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास से इनर रेडियस रहेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे आउटर डायमीटर इज दिस देन आउटर रेडियस बी दिस, इनर डायमीटर इज दिस देन इनर रेडियस विल बी दिस एंड हाइट इज कांस्टेंट, हाइट इज ऑलवेज 35 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, देन आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले लेंगे आप, एच कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आपके पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होती है उसको यूज कर दीजिए, तो ये रहेगा आपके पास पाई एज इट इज, एच एज इट इज, और इसको आप आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर नोट करेंगे। वो वैल्यूज आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की है, आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए और जो भी आपका आंसर आता है वो बता दीजिए। जैसे 5 तो 22 बाई 7 ये 35 है, इंटू जब आप 14 और 12 को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके पास 26 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। सो इस टाइप की क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको, आप इनके लिए ट्राई करना और प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे पूछिए। सो टुडे यू विल ट्राई योर एक्सरसाइज 13.6 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज।